विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। आपने एक वीडियो देखा कि आवाज उठाने के बाद आपको लोग मारने की धमकी देते हैं। हमें तो धमकी देते हैं, इसमें तो मारा गया है। अपने आप को आप पत्रकार मानते हैं, यूट्यूबर? कौन लोग सवाल उठाते हैं उनकी कम्युनिटी चेक कीजिए। मनीष कश्यप का पूरा वीडियो देखिए, वो जाति विशेष के लोगों को गाली देते हैं, धर्म विशेष के लोगों को गाली देते हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में किस जाति के कितने जज हैं? नहीं, ये हमें नहीं पता है। भारत के पत्रकार कोई गैर सवर्ण एक भी संपादक है किसी टेलीविजन अखबार में? ये तो मैं जानता हूँ, ये तो नहीं है। भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं SC ST OBC के? हाँ, कुछ लोग हैं, लेकिन उस तरह के। कितने वाइस चांसलर हैं? वाइस चांसलर कहाँ, SC वो सब आपको उच्च कास्ट के लोग मिलेंगे। तो क्या वजह है इसकी? सोशल मीडिया ने इस देश में करोड़ों लोगों को नया रास्ता दिखाया, उनके लिए मौका पैदा किया है। आज मेरे लिए जीवन का सबसे खास इंटरव्यू है और मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं जोश एक्सप्रेस के संपादक जो हैं जितेंद्र सिंह, बनारस से चल के आए, और मैं सचमुच खुश हूं और मैं चाहता हूं कि ये शानदार अनुभव होगा। जितेंद्र ने काफ़ी पढ़ाई की है, BHU से पढ़ाई किया आपने? ग्रेजुएशन BHU से किया है, और ख़ास है हमारे लिए, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आज सवाल जितेंद्र के होंगे, जवाब मेरे होंगे। ओके जितेंद्र, कंटिन्यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और काफ़ी मैं आपको देखकर इम्प्रेस होता था, आपके शब्दकोश जो थे कहीं ना कहीं मुझे आहत करते थे बार बार आपसे मिलने के लिए। बेटा क्यों नहीं एक बार तुम मिलते हो? ऐसे मिलने के लिए तमाम लोग हैं, लेकिन जिस आज जो दौर चल रहा है सर, उस दौर में जो आपका सवालत होता है, कहीं ना कहीं लगता है कि काश आप जैसे कुछ लोग आते हैं। ये कैसे शंभू सिंह कैसे इन दौर में आके और एक अलग पहचान और अलग लोगों में मिसाल कायम करता है, ये कैसे हो गया सर? इस पर तो मैं बात करूंगा, पहले आप बताइए कि आप YouTube पर कब से आए? YouTube पे आए हुए मुझे 2 से 2.5 साल हुआ। दो से ढाई साल जी। तो देखिए, मैं बकायदा मैंने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और मुझे पत्रकारिता करनी थी। मैंने अपने लिए तय किया था कि मैं पत्रकार बनूंगा, और उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया, और उसके बाद टेलीविज़न चैनलों में नौकरियां की, और उसके बाद 2015 से नेशनल दस्तक के लिए काम कर रहा हूँ। नौकरियां, जब नौकरी की बात आती है ना, तो जहन में बड़ा अलग सा उथल पुथल होने लगता है। उस नौकरी में क्या ऐसा था जो आज शंभू सिंह को छोड़ना पड़ा, और खुद क्या मतलब इस तरह से करना पड़ा, क्यों? नहीं, नौकरी छोड़ने जैसा कुछ नहीं था, हालात इस तरह से होते हैं। नया प्लेटफॉर्म आ रहा था, नौकरी से निकाला गया था मुझे। अच्छा, नौकरी से क्यों निकाला गया था? अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा सवालात कर लेते हैं, जिस तरह से पब्लिक चाहती है वैसा आप कार्य कर लेते हैं, फिर क्यों? क्वेश्चन तो उठता है सर। देखिए, ये एक बड़ा तकलीफ देह काम है जो आप जानना चाह रहे हैं। दरअसल मुझे आपकी कम्युनिटी नहीं पता। भारत में संविधान में SC ST OBC और जनरल है। फिर एक हमेशा मैं देखता हूँ आप किसी से सवालात करते हैं तो तुरंत कम्युनिटी की बात। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। भारत एक जाति प्रधान देश है, और इस देश में अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद भी ना, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स में 90% लोगों की भागीदारी नहीं है। चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, SC हो, ST हो, OBC हो। और उस तबके का कोई आदमी जब जाता है, वो जब अपनी बात करता है, जैसे आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोग शहीद हुए हैं, लेकिन कोई सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा को नहीं जानता है। इस देश में बुद्ध हुए, उनको खत्म करने की कोशिश हुई, गुरु नानक साहब हुए, कबीर साहब हुए, रविदास हुए, लेकिन TV अखबार जिस समाज के पास नहीं है। तो मैं उस समाज से आता था, मुझे रिजर्वेशन का मैं पक्षधर हूँ, संविधान का पक्षधर हूँ। तो TV अखबार में जो लोग अभी फिलहाल जिनकी बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC और किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, और अब तो राजपूत समाज के लोग भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर हैं। तो ये आपके कहने से मैं नहीं मान लूँगा, ये भारत की सच्चाई है, और सारा खेल इस देश में इसी जाति आधारित चलता है। आपके घर में शादी जाति देख कर होती है या धर्म देख कर? जाति देख कर। इंदिरा नुई का नाम सुनिए, पेप्सिको की पूर्व चेयरमैन जी,
उन्होंने अभी विदेश में उनसे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। तो भारत में जाति सच्चाई और सब कुछ जाति के नाम से तय होता है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसी आउट ऑफ कंट्री को देख लीजिए, किसी भी देश को आप देखिए, वहाँ ना जातीयता है ना कोई धर्म है, कि वहाँ पर भी है, मैं गया नहीं हूँ लेकिन सुना। नहीं देखिए, सब जगह भेदभाव रहा है, कहीं काले गोरे के आधार पर भेदभाव था, तो जिन लोगों ने भेदभाव किया, अब्राहम लिंकन ने उसके खिलाफ, मार्टिन लूथर भी लड़ रहे थे, अब्राहम लिंकन भी लड़ रहे थे, मंडेला भी लड़ रहे थे, तो भारत में जो लोग शोषक हैं ना और जो लोग शोषित हैं उनमें फ़र्क है कि यहाँ शोषक जो है शोषित की आवाज़ बनना नहीं चाहता है क्योंकि वो उसका धंधा है, यहाँ शोषण धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है। तो जब तक शोषित, फूले साहब की जो लाइन है ना, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, जब तक शोषित लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक ये चीज़, इसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठती रहेगी। आप जब आवाज़ उठाते हैं, आपने एक वीडियो देखा कि आवाज़ उठाने के बाद आपको लोग मारने की धमकी देते हैं। हमें तो धमकी देते हैं, इस देश में तो मारा गया है, जगदेव बाबू को मार दिया गया, इस देश में तो रविदास महाराज की हत्या हुई है, बुद्ध की हत्या हुई है, हजारों महापुरुषों की हत्या हुई है, आज भी रोहित बेमुला को मार दिया गया। बेबाक पत्रिका से, पत्रकारिता से आप जाने जाते हैं, अपने आप को आप पत्रकार मानते हैं या यूट्यूबर? मुझे नहीं पता, भारत के संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, आप उसको पत्रकार। कुछ लोग इस पे भी सवाल उठाते थे, अरे शंभु कुमार सिंह इस तरह से है, उस तरह से है, तरह तरह की चीजें। हम कहें कि ये चीज तो जाने के बाद समझ। कौन लोग सवाल उठाते हैं उनकी कम्युनिटी चेक कीजिए, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिसके अधिकार में हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो वो समाज अमेरिका नहीं है कि रेड कारपेट बिछाएगा। वहाँ मार्टिन लूथर के साथ इब्राहिम लिंकन की खड़े हुए हैं, मार्टिन लूथर के विचारों के साथ इब्राहिम लिंकन खड़े हुए, जबकि वो गोरे समुदाय से थे। तो भारत में ये स्थिति कब बदलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि बदलेंगी। तो अब कौन क्या कह रहा है उसकी बातों को तो नहीं, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, मैं संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहता हूँ। संविधान की जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो अभी आप देख रहे हैं लोग तड़ातड़ गोलियों से भूने जा रहे हैं, लोग कह दे रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, क्या किस संविधान में लिखा गया कि बुलडोजर चलवा दूंगा। आप संविधान की बात करते हैं, इसी देश में तो ऐसा भी हो रहा है, वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वही के लोग कहते हैं कि भारत मेरा संविधान से चलता है और संविधान के दायरे में रह के हम लोग काम करते हैं। किस संविधान में लिखा गया है सर कि बुलडोजर चलवा देना, किसी की हत्या करवा देना पुलिस और पत्रकार के बीच में, ये कहाँ तक सही है? ये तो आपको उन नेताओं से पूछना चाहिए जो सरकार चला रहे हैं। रही बात की भारत का संविधान आपको ये भी हक देता है कि आप अगर बहुमत में हैं तो आप कोई कानून पास कर सकते हैं। अब बुलडोजर को लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, देखना चाहिए उनको कि ये सब कैसे चल रहा है। पर आप मुझसे पत्रकारिता, पॉलिटिकल सवाल है, आप पॉलिटिशियन से पूछिए, मैं तो पत्रकारिता पर ही बात कर इंटरव्यू दे सकता हूं। नहीं, ठीक है, आप एकदम सही है, क्योंकि आपने संविधान की जब बात कर ली, इसलिए कि संविधान के दायरे में रह के काम करता हूं, संविधान के पक्ष में मैं बात करता हूं, संविधान को मैं मानने वाला हूं। ये तो आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कीजिए, मैं तो एक पत्रकार हूं, मैं मीडिया पर बात कर सकता हूं, कास्ट डिस्कोर्स पर बात करता हूं, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कीजिए कि क्या ये सब जो हो रहा है वो संवैधानिक है असंवैधानिक है, वो ज़्यादा बेहतर बताएं। किसी आईपीएस से बात कीजिए जो जिस मामले के एक्सपर्ट है। चलिए, आप फिर बड़ा एक मामला उथल पुथल सा चल रहा है कि एक पत्रकार यूट्यूबर को कह लीजिए, लोग बता रहे हैं कि NSA भी लग जा रहा है, ऐसा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आपने भी कभी, मैं कई वीडियो देखा, क्योंकि देखिए आपसे भी उतना ही प्यार है, उनसे एक फील्ड होने के नाते, लेकिन NSA क्यों लग जाता है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? मनीष कश्यप के हम बारे में। एकलौते पत्रकार है जिन पर NSA लगा है, सिद्धकी कप्पन पर भी लगा है, जम्मू कश्मीर में हजारों ऐसे पत्रकार हैं, उसके बारे में तो नहीं पूछा आपने? पत्रकार कहीं नहीं दिखाया, यूट्यूबर दिखाया, यूट्यूबर मनीष कश्यप पे लगा NSA। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन लोगों का क्या है, प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई थी, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई थी दिल्ली से, सिद्धकी कप्पन को UAPA में बंद किया गया, जम्मू कश्मीर में पत्रकार बंद हैं, इस देश के SC ST OBC को तो आप थे ना जो SC ST एक्ट के रिस्टोर के लिए आंदोलन हुआ था, गोली 11 लोगों को गोली मार दी गई, हजारों लोगों पर केस दर्ज हुआ, तब कौन पत्रकार? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आज आप गलत करेंगे तो कल आपके साथ भी गलत होगा। मनीष कश्यप सरेआम फेक न्यूज फैला रहे थे,
आप देखिए उनके सारे वीडियोज। क्यों आप झूठ बोलेंगे जाति की वजह से? मनीष कश्यप का पूरा वीडियो देखिए, वो जाति विशेष के लोगों को गाली देते हैं, धर्म विशेष के लोगों को गाली देते हैं। तमिलनाडु वाले में वो फेक न्यूज फैला रहे थे साहब, वो झूठी खबर बना रहे थे। तो फेक न्यूज फैलाना तो ऑफेंस है। नहीं ठीक है, लेकिन एक वीडियो से क्या लगता है कि आपको घर का कुर्की हो जाएगा? एक वीडियो से NSA लग जाएगा, जिसे देशद्रोह कहा। एक वीडियो उन्होंने बनाया है अभी साहब, तो जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी की बात नहीं, मैं दर्जनों वीडियो मैं जानता हूं। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मैं चाहता हूँ कि किसी की भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न छीनी जाए, लेकिन संवैधानिक दायरे तय हों। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूट्यूबर कह लीजिए, एक वरिष्ठ है, आप उसे देख के कितना जाने कितने लोग सीखते हैं आपके। देखिए, भारत में पत्रकार कभी ईमानदार नहीं रहा है। भारत में पत्रकार की एक जाति रही है, एक धर्म रहा है। वो लोग वो जाति और धर्म से उनको निकलना पड़ेगा, उनको रेशनल बनना पड़ेगा। तब शंभू सिंह कैसे कह रहे हैं कि ईमानदार पत्रकार कोई नहीं रहा? तो संबीज कुमार सिंह कैसे? नहीं नहीं, मैं फिर मैं ईमानदार की बात ही नहीं, मैंने कहा जाति और धर्म से निकलना पड़ेगा। मैं जातिवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं जातिवाद बढ़ा नहीं रहा हूँ। आपने कहा कि ईमानदार कोई पत्रकार नहीं है। ईमानदार पत्रकार का मतलब है लोग जाति और धर्म से बाहर नहीं निकलते हैं। जो जिस जाति का है वो अपनी जाति के लिए काम करता है। आज भी हो रहा है। आज 100 साल पहले बाबा साहब ने कहा था, दमुक नायक शुरू किया था। आज तो और अभी है कि थोड़ा दूसरे तरफ के लोगों की आवाज भी बढ़ी है। जब तक TV अखबार था, सोशल मीडिया नहीं था, तो SC ST OBC के लोग, किसान जातियों के लोग नहीं थे। भारत के किसी भी चैनल में हैंडीकैप्ड एंकर नहीं है। भारत के किसी भी टेलीविजन चैनल में कोई ब्लैक एंकर नहीं है। तो आखिर ये सब आज जो कह रहे हैं सर, इससे पहले भी तो ये चीज प्रक्रियाएं रही होगी। तो मैं जब पैदा हुआ हूँ, जब मैं बोलना लगा हूँ तभी बोलूंगा ना। पहले भी बाबा साहब बोले हैं, माननीय कांशीराम साहब बोले हैं। बाबा साहब साहू जी महाराज ने अखबार शुरू करवाया था, प्रबुद्ध भारत, दमुक नायक साहब, बाबा साहब ने अपना अखबार शुरू किया। अब देख लीजिए, शंभू कुमार सिंह जी हैं, चूँकि आए दिन कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं पे सवालात उठाते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनको देखकर। हम लोग सीखते भी हैं और सीखने का मौका एक मिलता है। लेकिन इसी भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों सवालात उठा रहा है, क्यों क्या होता है कि अपने जुबान को इस तरह से तीखे घेरों में घेर लेता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। देखिए, भारत में हर चीज़ को जब आप जाति के एंगल से देखेंगे ना। क्यों जाति के एंगल? अरे भाई, सच्चाई है तो मैं, आप संविधान मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। भारत में संविधान ने जाति खत्म किया ना। कितनी 4000 से ज़्यादा तो OBC की जातियाँ थी, हजारों जातियों में बटा हुआ समूह था, उसको संविधान ने SC ST OBC कहा है। तो आपको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा डाइवर्सिटी क्यों आया है। अमरीका में प्रावधान है एशियन डाइवर्सिटी, जो जिस समाज में पैदा हुआ है उस समाज के हितों के लिए अगर काम कर रहा है तो फिर हर समाज के लोगों को सिस्टम में आना पड़ेगा। नहीं तो जो समाज सिस्टम में नहीं आएगा उसके हित छूट जाएंगे। तो भारत एक जातिवादी देश है, इसलिए हर खेल, जैसे मान लीजिए आपको बीमारी है या मुझे बीमारी है TB की, तो मैं क्या दवाई कैंसर का खाऊंगा? TB का खाना पड़ेगा। तो भारत में सारी समस्याओं का जड़ जातिवाद है, इसलिए मैं जातिवाद पर बात कर रहा हूँ। जब देखा जाता है सिर्फ जाति 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 पे ही। तो जाति के नाम पर शादी ब्याह, जाति के नाम पर नौकरी, जाति के नाम पर उठना बैठना। लेकिन वोट तो कोई नहीं देता है जाति के नाम पर। जाति के नाम पर जिस दिन वोटिंग शुरू हो जाएगी, उस दिन संविधान और मजबूत होगा, क्योंकि बाबा साहब ने जातियों को समूह में तब्दील किया, SC ST OBC। जिस SC ST OBC की बात कर रहे हैं, वहीं पे लोग जब वोट आता है तो जाके भोजन करते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग जाते हैं, श्रवण समाज के लोग जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जितने लोग हैं सब जाके वहाँ भोजन करने। क्या वो दिखाते हैं क्या? फिर वो तो कहते हैं कि SC भी हमारा है, OBC हमारा है, सब हमारा है। अरे कहने से तो मैं कह दूंगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री तो हो थोड़ी जाऊँगा। यही है ना, आप पढ़ने लिखने के बाद, आप देखिए आप पत्रकार हैं ना, तो आपको तह तक जाना पड़ेगा कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं वो कर क्या रहे हैं उनको देखिए।
भारत में शादियां धर्म देख के होता है या जाति देख के? मुझे एक बात नहीं, मैं तो पहले क्या जाति से देख के होता तो है। फिर जब शादी जैसी बात, शादी आप किसके साथ? आप भारत की बात करिए तो भारत में ऐसे भी अभी किसको आप बता दें, लोग आज जाति देख के नहीं, आज तो लोग देखते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस वाला है, कितना अच्छा पद पे है, वहाँ तो नहीं। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी आदमी अपना बेहतरी सोचेगा ना, इसमें हटाई दिए ना। कैसे हटा दिए आप? लेकिन हत्या किसकी होती है? अगर कोई जाति का बैरियर तोड़ के शादी करता है तो हत्या हो जाती है। समस्या पर बात करेंगे ना आप, समाधान पर थोड़ी बात करेंगे। आपको कोई अमीर हो, कोई पैसे वाला हो तो उसमें क्या आपत्ति है? हर कोई अपनी बेहतर चाहता है। कहीं ना कहीं आपके सवालात और शायद मेरे सवालातों से इधर उधर ना हो, लेकिन मैं एक ही सर जानना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय नहीं होता है, मैं जानता हूँ, और आप कीमती समय दिए हैं। बस एक बात जानना चाहूँगा सर कि जिस पत्रकारिता लाइन की अगर बात किया जाए, आज एक पत्रकार नहीं हजारों पत्रकार, और वही पत्रकार जो कहते हैं कि मैं वहाँ से गरीबों की आवाज़ उठाता हूँ, गरीबों की आवाज़ बनता हूँ, आज वही पत्रकारों पे कहीं ना कहीं नाम चिन्ह लग जाता है, उसे मारने की धमकी दी, आखिर ये कैसे होगा? चौथा स्तंभ बताया। तो मैं बात दो बातें बता दूँ आपको जितेंद्र जी, भारत में सबसे ज़्यादा जो जातिवाद है ना, उसको लिस्ट बना लीजिए, पहले जुडिशियरी, फिर मीडिया, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर बिजनेस, फिर फिल्म स्पोर्ट्स। अब जातिवाद वहाँ है जहाँ पैसा है, पावर सेंटर्स है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में किस जाति के कितने जज हैं? नहीं, ये हमें नहीं पता है। भारत के पत्रकार कोई गैर सवर्ण एक भी संपादक है किसी टेलीविजन अखबार में? ये तो मैं जानता हूँ, ये तो नहीं है। भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं SC ST OBC के? हाँ, कुछ लोग हैं, लेकिन उस तरह के। कितने वाइस चांसलर हैं? वाइस चांसलर कहाँ, SC सब आपको उच्च कास्ट के लोग मिलेंगे। तो क्या वजह है इसकी? शिक्षा है सर। हाँ, शिक्षा है। तो कैसे उनके पास ज्यादा शिक्षा आ गई और बाकी लोग के हमेशा 85% पे 15% भारी क्यों पड़ा? तो 90% उसमें जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी जोड़ दीजिए, उनके भी शैक्षणिक पिछड़ापन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जातिवाद अब बढ़ा है, घटा नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई बढ़ी है, जातिवाद और महीन हुआ है, जातिवाद अब गांव से शिफ्ट होकर शहर में आ गया है। अच्छा, मेरी लड़ाई मूछ रखने के लिए, घोड़ी चढ़ने और साथ खाने की नहीं है, जिसको खाना है खाए, ना खाना है ना खाए। मेरी लड़ाई है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। आप हिंदू तभी तक हैं या आप भारत में किसी धर्म से हैं, आप SC हैं, ST हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है, उसको रोना कौन लगा रहा है उससे पता कीजिए। आरक्षण का कौन विरोध करता है? आरक्षण का विरोध तो श्रवण समाज के लोग करते हैं। क्यों? जब वो तो संविधान में प्रावधान है, क्यों करते हैं विरोध? जी नहीं, जिस तरह से देखा जाए कि आरक्षण करके आएगा तो ये करेगा क्या? जैसे डॉक्टर को देख लीजिए, डॉक्टर कहते हैं लोग कि जनरल वाला फुल पढ़ के आता है और आरक्षण वाला आधा ही पढ़ के आता है। कम से कम पत्र, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये सब आरक्षण की वजह से दाखिला मिलता है। जैसे आपको ना आरक्षण से कम नंबर पर दाखिला मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी सेम नंबर लाके। अंदर परीक्षा जब आप सेमेस्टर पास करेंगे ना, ये सब मिथ फैलाया जाता है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक बताइए, आरक्षण से मेरिट खराब होता है तो अब तो गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिल गया, तो अब मेरिट खराब नहीं होगा? अब तो अब आपने कहा कि संविधान में भी आने वाला जो राज्य है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगर आरक्षण से मेरिट खराब होता था तो अब तो गरीब सवर्णों को आरक्षण मिल गया ना, वो आरक्षण विरोधी नहीं थे, वो SC ST OBC के आरक्षण विरोधी थे, उनको जैसे ही आरक्षण मिल गया लप से खा गए। इस देश में 90% लोगों के पास, 85% के पास जमीन नहीं है, शिक्षा नहीं है। आपको समझ नहीं आता क्या वजह है इसकी? क्यों 90 दलित गरीब है, क्यों दलितों के पास जमीन नहीं है, क्यों पिछड़ों के पास शिक्षा नहीं है, क्यों जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं है? आप बताइए मुझे, ये भगवान कर रहे हैं? नहीं नहीं, भगवान फिर वही बात, तो कौन, किसने किया ये? शिक्षा का देन है सर। तो शिक्षा इन लोगों के पास शिक्षा क्यों नहीं आया, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना मुझे। इन लोगों के पास देख लीजिए, आज वजह की क्या होता है कि मंदिर बनवा जा रहा है, अब शिक्षा विद्यालय का दूसरी बात ले जा रहे हैं। जितने विद्यालय में, ठीक है, जो जिसको मैंने बनवाए, जितने विद्यालय में पूछ रहा हूँ, इस सब हर विद्यालयों में देख लीजिए, टीचर तो वही मिलेंगे। कौन मिलेंगे? ब्राह्मण समाज से मिल जाएंगे, जनरल तो समाज मैं, से मिल मेरी जाएंगे। लड़ाई वही है कि सबको, जिसकी यहाँ जितनी संख्या है उसको समान मौका मिले। अच्छा, लास्ट मैं सवाल करूँगा, शंभू कुमार सिंह का उद्देश्य क्या है?
क्या चाहते हैं आप भारत में? आप चाहते क्या कि इस तरह भारत चले? भारत मजबूत राष्ट्र हो, भारत की सेना मजबूत हो, भारत का दुनिया में नाम हो, भारत एक बेहतर देश बने, यहाँ हर किसी को बराबर का अधिकार हो, जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और भारत की सेना मजबूत हो, भारत में विज्ञान हो, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत का हर नागरिक खुश रहे, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, हम अमेरिका चीन से आगे बढ़ें, यही उद्देश्य है जी। चलिए इस उद्देश्य से बड़ा अच्छा लगा कि आपका जिस तरह से, तो लोग कहते हैं कि लड़ते और लड़वाते रह जाएंगे और पता चलेगा कि देश मेरा वहीं का वहीं रह जाएगा। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।